सर तो यूज किस लिए होता है वो होता है हमारे पॉजिटिवली पार्टिकल्स को एक्सेलेट करने के लिए ठीक है एट हाई स्पीड ताकि वो कहीं या कहीं पे किसी या किसी किसी या फिर मॉलिक्यूल का जाके कोलाइड करें और कुछ आ, कुछ नया बनाएं ठीक है तो वहां पे हम इसलिए यूज करते हैं मतलब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए इसमें हम आते हैं प्रोटोन्स आते हैं ठीक है अल्फा पार्टिकल्स आते हैं ठीक है इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो हम इसमें यूज करते हैं और एक अवसर होता क्या है कि एक साइक्लोट्रॉन में कि हम दो मेटेलिक डी शेप्ड ट्यूब्स लेते हैं ठीक है जैसे ये है दो मेटेलिक डी शेप्ड इसको नेम कर देते हैं डी टू इसको नेम कर देते हैं डी वन ठीक है ये बेसिकली एक तरह से अंदर से हॉलो होती हैं मेटेलिक कैविटीज हैं ओके हम क्या करते हैं फिर उसके बाद इस सेटअप को प्लेस करते हैं बिटवीन दो मैग, दो मैग्नेट ठीक है जो कि हमको इस सेटअप के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देता है हमारी ओके कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी इस तरह से ओके तो अब होता क्या है कि यहाँ पे हम सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो जो कि हमको एक्सेलेट करना है उसको रखते हैं ठीक है तो अब सपोज करो और उसको जो ये हमारा डी शेप होता है ठीक है जो ये कैविटीज होती हैं दोनों बिकॉज ये आपस में यहाँ पे कहीं से कनेक्टेड नहीं है ठीक है तो और इनको हम कनेक्ट करते हैं विद ऑसिलेटर ठीक है ये होता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होता है ठीक है तो सपोज करो एट फर्स्ट इक्वल टू जीरो सेकेंड पे ये ये पॉजिटिवली चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज है ठीक है तो यहाँ पे जब पॉजिटिव पार्टिकल आया मेरे पास यहाँ पे ओके सपोज करो यहाँ पे आया ओके तब तो होता क्या है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेंटर में ओके ये बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ठीक है तो ये जो D2 है जो D2 ट्यूब है ये इसको रिपेल करेगी और D1 में नेगेटिव है तो इसको इसको अट्रैक्ट करेगी ठीक है तो पार्टिकल अंदर चले चले जाता है इसको यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर हूँ कैसे होता है ये राइट देखो यहाँ पे ऐसे मेरे पास प्लस है इनिशियली माइनस है ठीक है तो यहाँ पे सेंटर में था हमारा पार्टिकल तो वो इधर को मूव करेगा ठीक है अब बिकॉज देखो क्या है कि जो मेरा मोशन है वो इस डायरेक्शन में मतलब वी इस डायरेक्शन में है ठीक है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है मतलब इस डायरेक्शन में है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ठीक है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये मेरे पास डायरेक्शन मोशन होगा ठीक है अब वी कॉज बी के परपेंडिकुलर जो मतलब डायरेक्शन होगी वहाँ पर मेरा फोर्स लगेगा ठीक है तो उसकी वजह से ये मेरा पार्टिकल को एक्सलेट करेगा ठीक है तो ये कुछ इस तरह से मोशन में आएगा और यहाँ पर आएगा वापस ठीक है ऐसे बिकॉज सर्कुलर पाइस ने इसलिए लिया बिकॉज ये फोर्स है जो दोनों मोशन और मैगनेट फील्ड के परपेंडिकुलर है वो उसको सर्कुलर पाथ लेने पे मजबूर कर देता है ओके अब क्या होगा जब ये सेंटर वापस आएगा ठीक है तब बिकॉज ऑसिलेटर ऑफिस यहाँ पे वो स्विच करेगा वापस से ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो अगेन वो एक्सेलरेट करेगा अंदर ठीक है और फिर से मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो उसको वापस उसको सर्कुलर पाथ में ला देगा ऐसे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा ठीक है ऐसे बहुत तेज जब तक वो बहुत तेज नॉलेज लग जाए ठीक है एक टाइम के बाद एक ऐसा आएगा जब हम उसे जब हमारी जो स्पीड हमको चाहिए होगी वो अटेंड हो जाएगी और उसको हम यहाँ पे थ्रू अ डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एक एक कैविटी से उसको बाहर निकाल लेंगे ठीक है और उसे आगे जहाँ हमको चाहिए वो हम फेंक देंगे ठीक है तो देखो इसके लिए अगर हम जो थोड़ी कैलकुलेशन करें तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो रहा है ठीक है वो क्या होगा हमारे पास क्यू वी बी ठीक है जो कि बराबर हो रहा है उसके सेंट्रीबिटल फोर्स के एम वी स्क्वेर अपॉन आर ओके तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम वी अपॉन क्यू बी ओके तो यहाँ से जो मेरा टाइम टेकन बाय जो जो भी आयन होगा हमारे पास तो फॉर सेमी सर्कुलर पार्टी के टाइम टेकन फॉर सेमी सर्कुलर पार्ट वो हो जाएगा बाय आर बाय वी ठीक है आर क्यू वैल्यू हमको पता है यहाँ पे तो वो हो जाएगा बाय एम अपॉन क्यू बी ठीक है तो आप देख सकते हो जो टाइम पीरियड है मेरे यहाँ पे ठीक है वो बेसिकली कंप्लीटली कॉन्स्टेंट है ठीक है बिकॉज ओ डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर चार्ज के ऊपर और मैग्नेटिव फील्ड के ऊपर ठीक है तो यहाँ से ये तो हो गया हम पे देखते थे जो टाइम टेकन बाय द आयन है वो कॉन्स्टेंट हो गया ओके अब अगर हमें फाइंड करनी है इसकी साइक्लोटॉन फ्रिक्वेंसी ठीक है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे साइक्लोटॉन फ्रिक्वेंसी ठीक है उसको लिखते हैं म्यू ठीक है जो कि हमारा ग्रीक अल्फाबेट होता है फर्दर फ्रिक्वेंसी वो हो जाएगा वन अपॉन टाइम पीरियड ठीक है अब बिकॉज यहाँ पे जो ये टाइम टेकन है सिर्फ सेमी सर्कुलर पाथ के लिए है ठीक है तो फुल फुल के लिए कितना होगा टू टाइम्स ट्री ठीक है तो जो कैपिटल टी है मेरे पास यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कैपिटल टी होगा टू टाइम्स टी तो ये होगा हमारे पास वन अपॉन टू टी इक्वल टू यहाँ मेरे पास फाइनल जो साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी आएगी वो होगा बी क्यू अपॉन टू पाई एम जो कि मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर द साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी जो कि हमको रिक्वायर्ड होगी फॉर द लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन ऐसी ज्यादा स्टूडेंट्स का भर हो सकता आज डाउनलोड करे डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप